हम हैं अभी जड़ी पानी से पीछे ही हैं, जड़ी पानी तक पहुँचे नहीं अभी हम लोग। और यहाँ पे टूरिस्ट काफ़ी संख्या में पहुँच चुका है और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे जाम भी लगा हुआ है। ये देखिए आप, गाड़ियाँ लगभग फंसी पड़ी हैं, ये देख पा रहे होंगे आप। यहाँ पे फिसलन बहुत ज़्यादा हो रखी है और भाई हमको निकलना है थोड़ा सा आगे, आपको दिखा दें कि यहाँ पे जी मोरपंख के पेड़ में काफ़ी सारी बर्फ़ जमी हुई है। भाई आप भी आ रहे हैं यार, और चलो आगे ना, चलो चलो भाई, चलो मैंने तो उधर खड़ी कर दिया, निकलते थोड़ा सा आगे ट्रैक मारते हैं। हैं और क्या, पैदल चलते हैं, मैं तो पैदल चल रहा हूँ भाई, मैंने तो वहाँ खड़ी कर रखी अपनी, और मरने वाली काम है, चोट लगी बहुत तेज, फिसलन बहुत ज़्यादा हो रखी है, मैं वहाँ तक ले गया था पर आया पीछे। तो भाई ओह, तो आप देख पा रहे हैं छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे इंजॉय ले रहे हैं, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे बर्फ़ के साथ खेल रहे हैं, सचमुच में यहाँ पे बहुत ही आनंद आ रहा है। थोड़ी सी धूप निकल जाए तो बहुत ही मज़ा आ जाए, बट यहाँ पे लगता है कि धूप कहीं पे निकल। चारों तरफ बर्फबारी, पेड़ों के ऊपर बर्फ ही बर्फ, और जो हमारा धनुल्टी जाने का सफर था वो फिलहाल यहीं पे ख़त्म हो चुका है क्योंकि आगे काफ़ी बर्फबारी हो रखी है। और थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं कि यहाँ का जो नज़ारा है वो कैसा हो रहा है। गाड़ियाँ इतनी तेज़ी से आ रही हैं, इनसे बचने में फ़ायदा है क्योंकि ब्रेक तो लगेंगे नहीं, ये श्योर है, एक अंदाजा ही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पर्यटक बहुत ही आनंद ले रहे हैं, यहाँ पे जो बर्फबारी हो रखी है उसका, और हम लोग थोड़ा सा ट्रैकिंग किए हैं तो थोड़ा सा हल्के बॉडी को सुकून मिला है। यहाँ पे ठंड में आए हम लोग बट बहुत मज़ा आया, काफ़ी टूरिस्ट भी यहाँ पे हमें देखने को मिला और लगातार यहाँ पे टूरिस्ट बढ़ता ही चला जा रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इस पेड़ के मोरपंख का पेड़ है, इसमें काफ़ी सारी बर्फ गिरी हुई है, वाव सो अमेजिंग। यहाँ पे पर्यटक आने शुरू हो चुके हैं, सुबह से तो लगातार बारिश हो रही थी, जैसे ही बारिश बंद हुई सब लोग निकल पड़े धनौल्टी मसूरी के लिए। और फिलहाल अभी हैं हम धनौल्टी से 15-20 किलोमीटर शायद पीछे, तो गाइस यहाँ पे बहुत ही मज़ा आ रहा है, काफ़ी टूरिस्ट भी है यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है। हवा का जो रुख है थोड़ा सा तेज हो गया, बारिश आनी भी थोड़ी हल्की शुरू हो गई है, और भाई लोग भी फुल एंजॉय ले रहे हैं भाई यहाँ पे, फुल एंजॉय भाई। कैसा फील हो रहा है यहाँ पे, ठंडा बहुत ठंडा हो रहा है, अभी तो ठंडे के लिए तो आए हो यार भाई, कैसा फील हो रहा है, कुल्फी जम रही है भाई, सचमुच में ये सचमुच में बोला है कि सचमुच में कुल्फी जम रही है यहाँ पे, सचमुच यहाँ पे बहुत ही आनंद आ रहा हम लोगों को। और जिस चीज की तलाश में हम लोग आए थे यहाँ पे वो लास्ट फाइनली हमें मिल चुकी है, वो है व्हाइट वाली बर्फ। वाह चलने में बहुत ही मजा आ रहा है यहाँ, वाह ये व्हाइट व्हाइट बर्फ। और ये देख पा रहे होंगे आप बर्फ आ रही इन पेड़ों के ऊपर, वाह सो अमेजिंग। फिलहाल हमें थोड़ा सा ऊपर ट्रैक मारना है, वहाँ पे जाके टेंट लगाते हैं और कुछ खाते पीते हैं क्योंकि ठंड बहुत लग चुकी है। अभी थोड़ा सा ट्रैक करना है हमको और ऊपर कोई अच्छा सा जगह मिल जाए हमें, बस वहीं पे लगाएंगे टेंट, ठंड बहुत लग चुकी है, देख पा रही हूँ यार बर्फ ही बर्फ है पूरी। बस थोड़ा सा ट्रैक मारने के बाद हमें मिलेगी यहाँ पे बर्फ और टेंट लगाने के लिए अच्छी खासी जगह। फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे मैं इस लोकेशन में अपना टेंट लगाने जा रहा हूँ और यहाँ पे आने वाला है बहुत ही मज़ा, ये स्टार्ट हो चुका है हमारा टेंट लगाना। तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे हम यहाँ पे अपना चूल्हा जो है गैस स्टॉव फिट कर चुके हैं, और थोड़ा सा मैं बाहर लेके चलता हूँ आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो फाइनली मैं अपना टेंट यहाँ पे लगा चुका हूँ, यार नंगे पैर ना चला नहीं जा रहा बिल्कुल भी, तो आपको दिखाता हूँ ये कैंप हमारा, और ये हम लगा चुके हैं, बहुत ठंड थी, अभी यहाँ पे चाय बनाएंगे उसका आनंद लेंगे। फिलहाल मैं बता दूँ कि यहाँ पे टूरिस्ट आगे काफ़ी भीड़ लगी हुई है, यहाँ पे एक अभी भी एक स्टॉल खुलाना है मैगी वगैरह का, तो ये भी आप देख सकते हैं। और फिलहाल मैं हूँ इस लोकेशन में,
सचमुच गाइस यहाँ पे बहुत ही मजा आ रहा है। फिलहाल मैं बनाने जा रहा हूँ अपने लिए ब्लैक कॉफी। फिलहाल फ्रेंड्स बर्फ काफी गिरी हुई है, इन घनघोर जंगलों के बीच में लगने वाला है हमारा टेंट। हम लोग तो अंदर बैठ के यहाँ पर गैस का आनंद ले रहे हैं और ये ब्लैक कॉफी बन के तैयार है। तो हमें ठंड लग रही हो, ब्लैक कॉफी मिल जाए ना पीने को, सचमुच पूरी बॉडी वार्म हो जाती, गर्म हो जाती है और सुकून फील आता है। और मैं ले रहा हूँ ब्लैक कॉफी का मज़ा। और फिलहाल मैं दिखा दूँ आपको बाहर टेंट से थोड़ा सा कि कैसे नज़ारा है यहाँ का। ये हमको देखने को मिलता है बिल्कुल मेरे टेंट के बाहर बर्फ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे कि मुझे लेना है थोड़ा सा बर्फ पतीली में और फिर इसको करेंगे गरम और फिर हम बना पाएंगे यहाँ पे सूप। और इसमें बनेगी आज हमारी मैगी। मैं तो फिलहाल चलता हूँ टेंट के अंदर, वाह ठंडा बहुत हो रहा है। वाह और मेरा चूल्हा तो लगातार जलता जा रहा है, मुझे रखनी इसको गर्म करने। मैं इसकी फ्लेम थोड़ी तेज कर देता हूँ, आप देख पा रहे होंगे। आपसे मिलने आया, हम आपको देखा था क्या नाम है अभी हमने आपको देखा था टीवी उस पे क्या नाम है यूट्यूब पे ना। अरे वाह थैंक यू भाई। तो देखे गाइस मेरे सब्सक्राइबर भाई लोग हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हम लोग बनाए हैं यहाँ पे सूप। सूप हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है और यहाँ पे भाई लोग आ रखे हैं यूपी से। यूपी कौन से का भैया? बरेली। और भाई लोग देखिए मेरी वीडियोस देखते हैं ना, भैया ने मुझे अभी पहचाना यहाँ पे, बोले यार भैया आप तो यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं। सचमुच मेरे लिए ना ये बहुत ही अमेजिंग पल है और मैंने बनाया भैया लोगों के लिए मस्त सूप, मनचाओ सूप। तो ये है मेरा फ्रेंड, ओके भाई फिर मिलते हैं, ओके थैंक यू भाई। आप देख पा रहे होंगे ये मैंने अपना टेंट लगा दिया है और ये है केंचुआ का, ये मैंने डीकैथलॉन देहरादून से लिया था, बहुत ही अच्छा है। जबकि मैंने बर्फ के ऊपर बिछा रखा है, ऊपर से बिल्कुल नीचे से ना बिल्कुल भी यहाँ पे इस पर पानी नहीं आ रहा है, बहुत ही अच्छा है। और ये लगा हुआ है। और यहाँ की लोकेशन की बात करें तो चारों तरफ और क्या बर्फबारी। और अब हम यहाँ से निकलेंगे इसी केस के लिए, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। फिलहाल 3 बज चुके हैं और ये बर्फ यहाँ पे काफ़ी सारी गिरी हुई है। सो फ्रेंड्स अब निकलना है हम घर की ओर क्योंकि ठंडा काफ़ी हो चुका है और अब निकलना भी मुझे ऋषिकेश के लिए टाइम से। तो गाइस ये था हमारा ट्रिप, सचमुच में यहाँ पे बहुत ही आनंद है। फ्रेंड्स अभी पहुँचा हूँ मैं चौखाल में और महेश भाई की यहाँ पे शॉप है और ताऊ जी भी हैं साथ में और महेश लेके आया मेरे लिए चाय। महेश अदरक डाला है? हाँ जी। अच्छा हाँ, वो ठंड लग रही मुझे। तो ये है भाई महेश और ये है महेश की दुकान और मैं हूँ अभी चौखाल में। बहुत ही अच्छा यहाँ पे मौसम हो रखा है, ताऊ जी ने जला रखी है आग अगेठी में, तो सचमुच यहाँ पे हमको बहुत ही मजा आ रहा है। और ये है हमारे ताऊ जी। तो चोपटेल गांव है मेरे सामने ये वाला और यहाँ पे हो रखी है बर्फबारी। और अभी हम देखते हैं आगे चल के कि हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं। मुझे लग रहा है शायद नहीं पहुँच पाएंगे हम धनौल्टी सुरकंडा क्योंकि राजू भाई के जस्ट बगल में है यहाँ पे बहुत ही अच्छी रिवर जिसमें कि आज थोड़ा सा पानी बढ़ चुका है और पानी का जो रंग है वो भी पीला पड़ चुका है क्योंकि मिट्टी बह के आ रही है। और थोड़ा सा हम आगे चलते हैं तो हमें दिखाई देती है यहाँ पे पुल ब्रिज और उस ब्रिज में है काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी और मेरी भी और लास्ट में खड़ी हुई है। और यहाँ पे 2-4 घर भी बने हुए हैं और जस्ट राजू के घर के नीचे है ये छोटी सी रिवर। कि आज बारिश जो है रुकने का नाम नहीं ले रही है, सुबह रात से ही 12 बजे से स्टार्ट हो रखी है बारिश और मुझे निकलना था धनौल्टी। फिलहाल मैं हूँ धनौल्टी से पीछे करीब
30-35 किलोमीटर पीछे, जगह का नाम तो पता नहीं क्या है यहाँ पे, बट लोकेशन दिखाता हूँ आपको। और नदी का पानी जो है लगातार यहाँ पे नदी का पानी जो है बढ़ता चला जा रहा है। ये खूबसूरत नदी आ रही है ऊपर से, और ये सामने का व्यू। चल रहे हैं धनौल्टी के लिए, और बारिश कम हो गई है तो हम सोच रहे क्यों ना चंबा तक मोटरसाइकिल से जाया जाए, क्योंकि वहाँ पे जो टैक्सियाँ चलती हैं वो टाइम टेबल की हैं, इसलिए हमें मौसम भी थोड़ा सा खुल सा गया है। हम निकलते हैं अब चंबा के लिए, और वहाँ से जाना है हमें धनौल्टी। चंबा मार्केट यहाँ, और यहाँ से मसूरी के लिए ये रोड चली जाती है धनौल्टी के लिए। ऊपर का बटन दबा, बहुत सारा मजा आने वाला है हमें इस रूट पे।